क्या हुआ? इजा का न्यू लुक देखे, इजा की मैंने कल कटिंग कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, क्या बनाओगी आज? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अभी माशाल्लाह से जो है रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है और आज हम लोग नीचे जाके अम्मी अब्बू के साथ अफ्तारी तैयार करेंगे और रोजा भी नीचे ही अफ्तार करेंगे। तो अभी बच्चे जो है वो काज बच्चों को ट्यूशन लेने चले गए हैं, अभी वो आते हैं। उनसे पहले पहले मैंने जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर ली है, सोच भी लिया क्या बनाना है क्या नहीं करना। अभी नीचे जाके अम्मी अबू से भी पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं आज खाना और क्या बनाए। तो अभी ऐसा है कि जल्दी से हम नीचे जाते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट होता है हमारे पास। अभी असर की अजानें भी हो जाएंगी, असर की नमाज भी पढ़नी होती है, तो इस वजह से जो है ना टाइम का तो पता ही नहीं चलता। जैसे ही जोहर पढ़ के हम फ्री होते हैं ना, साथ ही टाइम ने यानी कि घड़ी ने ऐसे फटाफट जो है ना सुइयां खुद ही आगे होना शुरू हो जाती हैं। तो अब जल्दी से हम लोग चलते हैं नीचे और नीचे चल के अफ्तारी की तैयारी करते हैं और अम्मी अब्बू से पूछते हैं कि आज क्या बने। तो ज्यादातर यही होता है, फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़े, यही चीजें चल रही होती है। तो आज देखते हैं आज क्या बनाते हैं। मुझे लग रहा है कि बच्चे आ गए क्योंकि सीढ़ियों पे बच्चों की आवाज मुझे आ रही है। कौन? अभी देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं। क्या हुए? अस्सलाम वालेकुम। वाह, इजा का न्यू लुक देखे, इजा की मैंने कल कटिंग कर दी है। इजा खड़ी हो जो, इजा वो शॉपर उठाओ, जल्दी से चीजें उठाओ। ज़ियान क्या हुआ आपको? अजलान आप ही को ले आए आप स्कूल ट्यूशन से? ये जो नोजी में क्या हो गया गंदू? अच्छा ज़ियान आज क्या पढ़ा है आपने? ईजा आपने पढ़ के आई हो सर आज? बच्चे बहुत ज्यादा थक के आए हैं और अभी कार साहब भी आने वाले हैं क्योंकि 4 बजे का उनका टाइम होता है। जाओ जाओ, चीज कोई नहीं है, हर टाइम चीज। पता नहीं इस लड़की ने क्या करना है। खाना पीना इसने होता नहीं कुछ, सिर्फ चीजों पे जोर है। बच्चों की भी क्या लाइफ हो गई यार, स्कूल से आते हैं ट्यूशन से आते हैं सारा। चले जी, अब हम जल्दी से कार साहब का वेट करते हैं, बच्चों को रिवीजन करवाते हैं, थोड़ा सा पानी शानी इनको पिला तो स्पारे की रिवीजन वगैरह करवाते हैं और फिर हम आपसे मिलेंगे। बच्चे स्पारा पढ़ने लगे हैं तो मुझे याद आया बच्चों को तो भूख लगी हुई है और उनके लिए मैंने कोई चीज नहीं आज बनाई थी। तो अब मैं जल्दी से आलू वाले जो चावल है वो उनके लिए बनाने लगी हूँ। आलू वगैरह काट के मैंने डाल दिए, अब सिर्फ मैंने चावल इसके अंदर ऐड करने हैं ताकि जल्दी से चावल बन जाए और अफ्तारी से पहले पहले ये खाना खा ले क्योंकि अभी अफ्तारी में थोड़ा टाइम है और इनको भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। तो जल्दी से मैं चावल तैयार करती हूँ और उनको मैं खिलाती हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। खाना खिला के चलते हैं नीचे, अफ्तारी तैयार करते हैं। मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली है, मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो बच्चों को मैंने नीचे भेज दिया है, अजलान सर मेरे साथ है। तो फिर जल्दी से नीचे चलते हैं, मशवरा करते हैं अफ्तारी में क्या बनना है आज और अफ्तारी तैयार करते हैं। पहले फिर हम नीचे आ गए और अफ्तारी तैयार करते हैं। बच्चे पहले नीचे आ गए थे और दादा के साथ चावल खा रहे हैं। अजलान चावल खा लिए आपने? ज़ियान आप अभी भी गेम खेल रहे हो? चले फिर अफ्तारी का मशवरा करते हैं, फिर अफ्तारी जो है वो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। वकास क्या थे रात को, आपकी तबीयत खराब थी? बस ऐसे ही अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है। लेकिन अच्छा टाइम पे आप लोग नीचे आ गए, हम अफ्तारी बनानी किचन में। बच्चों ने किसी ने कुछ खाया नहीं, किसी ने नहीं खाया, इसी तरह ही ये बच्चे जो है ना ये हमें ऊपर भी इसी तरह तंग करते हैं, नीचे भी इसी तरह से तंग करते हैं। और अभी हम ऐसा करते हैं कि जल्दी से जो है ना अफ्तारी तैयार करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम जो है जरा शॉर्ट है। तो चले फिर किचन में आ गए और मैंने सब कुछ कटिंग वगैरह करके रख लिया है। ये देखें आलू भी हमने गोल आलू भी काट लिए हैं और बैंगन के आलू जो पकोड़े बने वो भी हमने काट लिए हैं। चिकन चॉप्स जो बने हैं उसके लिए चिकन भी हमने जो है काट करके रख लिया है। अब जल्दी से हम टाइम वेस्ट किए बिना मैं और अम्मी दोनों मिलकर जल्दी से अफ्तारी तैयार करते हैं क्योंकि फिर ऐसा होता है कि अफ्तारी का टाइम बहुत कम रह जाता है, बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं और रोजा भी खुल जाता है। ईजा आप भी हमारे साथ अफ्तारी बनाओगी आज? क्या बनाओगी आज? तो चीनी मिक्स कर लोगी आप? चले ठीक है, पिज्जा को हम चीनी देंगे मिक्स करने के लिए। अभी हमने चूल्हा ऑन किया तो अब जल्दी से जो है ना पकौड़े भी मैं रख लेती हूँ, ठीक है। कढ़ाई और आप क्रीम चाट जो है वो काट लें। ये रखो कढ़ाई रखो। हाँ जी कढ़ाई। ईजा नहीं करो, दादा को बंद नहीं करो। ईजा आप चूल्हे के पास नहीं आओ, पीछे चावल। आप फिर ऐसा करें ना, आप फ्रूट कटिंग कर लेना और मैं फिर फ्राई वगैरह काम कर। हाँ जी ये रख दे ऊपर बस।
मम्मियां फ्रूट कटिंग करने लगी हैं और मैं फ्राई का काम करने लगी हूँ, क्योंकि फ्राई वाली चीजें भी काफी हैं हमारे पास। हमने गोल पकौड़े भी बनाने हैं और उसके बाद बैंगन के पकौड़े भी हैं, पालक के पकौड़े भी बनने हैं, तो बहुत ज्यादा काम है। तो मैं फ्राई की तरफ आ जाती हूँ और अम्मी को हम बिठा के जो है क्रिंचा कटिंग करने के लिए बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन टॉप्स बनाने के लिए मैं इसमें पहले सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस जो है ना मैरिनेट करने के लिए इसको रख देती हूँ। चलिए अब जल्दी से ये मैरिनेट हो जाएगा, तब तक मैं गोल पकौड़े जो आलू के हैं वो फ्राई कर लेती हूँ। मैंने अम्मी को सारे फ्रूट्स पकड़ा दिए हैं, अम्मी फ्रूट्स कटिंग वगैरह करेंगी और मैं फ्राई का काम स्टार्ट करती हूँ। तो दादो के साथ मिलके जो है फ्रूट कटिंग कर रही है। कटिंग भी कर रही है, तंग भी कर रही है, दोनों काम हो रहे हैं बच्चों के। इजा नहीं करो, इजा ऐसे कौन करता है, तो मीठे वाला सर पे नहीं रखते। इजा इजा वाकई दादो सही कह रही है, मीठा लगा हुआ है, इसके अंदर मीठा लगा हुआ है। चले अम्मी जो है वो फ्रूट कटिंग कर रही है, जिसे कहना मान। बेटा अभी देखो थोड़ी सी देर में मुझे काम, ठीक है। बाहर क्रीम चाट तैयार हो रही है और मैं बेसन घोल के जो है पकोड़े भी बनाती हूँ और मैंने बैंगन के पकोड़े भी तैयार करने। तो सबसे पहले हम बैंगन के पकोड़े और पालक के पकोड़े तैयार कर लेते हैं, फिर हम करेंगे आलू के पकोड़े तैयार। मैं बैंगन के पकौड़े बनाने लगी हूँ और जो बेसन है वो बिल्कुल रेडी कर लिया, ये देखिए। और बैंगन डालना स्टार्ट करते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है। यहाँ थोड़े से बकास मेरी हेल्प करने के लिए आ गए और मैं जो हूँ मैं आलू की तैयारी कर लेती हूँ, आलू का बेसन जो है वो कर लेती है रेडी। और अभी हमारे चिकन पॉप्स भी रह गए हैं और इधर अम्मी जो है वो बना रही है शरबत बना रही है। आप जल्दी से पकौड़े रेडी कर लो, ठीक है। हम लोग पकौड़े बनाते हैं, आप जल्दी से शरबत बना लो, उसके बाद मैं वो फ्रूट चाट तैयार कर रही हूँ। मैं और वकास यहाँ पे बनाते हैं पकौड़े। बटर डाल के शरबत रेडी कर दी है, अब मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, ठीक है। गुड हो गया जी, जल्दी से पकौड़े वगैरह वो बना। हाँ जी बस मेरे हो गए, बैंगन के पकौड़े हमारे रेडी हो रहे हैं, फिर साथ ही मैं चिकन पॉप। दो तरह के पकौड़े हमारे तैयार हो गए, अब हम आलू के पकौड़े बना रहे हैं। तो जल्दी से ये देखें, टाइम भी शॉर्ट है, जल्दी जल्दी करते हैं। खजूरें भी रेडी होगी, होगी रेडी। चले बस ठीक है, मेरे आलू के पकौड़े भी हो गए, बस ठीक है। हम सारे स्टडी बना रहे हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम बना रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न। तो जल्दी से चिकन पॉपकॉर्न रेडी करते हैं। शरबत रेडी है, तुम लगा जो है ना वो पानी डाल के जरा वो थोड़ी देर भिगो के रखूंगी, अच्छा। नरम हो जाएगा फिर उसमें डाल दूंगी। बच्चों को हम भी कह देते हैं कि बच्चे जो है ना बाहर बर्तन वगैरह रख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये चिकन पॉपकॉर्न जो है ना तकरीबन रेडी है हमारे। चिकन पॉपकॉर्न हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं मजेदार से, ये देखें। जो बाकी रह गए वो भी रेडी कर लेते हैं। हमारी जो अफ्तारी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम रोजा अफ्तार करते हैं और फिर मिलते हैं। 2 hours later अफ्तारी करके बर्तन शर्तन धो के मैं ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। अभी मैंने मेडिसिन ली है और मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।